अलॉट सारिया नूं चमसी की मैं पास्टर मनजीत तुहाडे लई स्टोरी लिखी आई है। स्टोरी का टाइटल हैगा तीन खूबसूरत ट्री, तीन खूबसूरत दरखत। आइए स्टोरी वाल चलते हैं। बहुत साल पहला की गल है, बहुत सदियां साल पहला की गल है कि पहाड़ी दे उत्ते तीन ट्री आ, हाले वो बेबी ट्री आ, छोटे ट्री आ, पर वो अपने सुपनिया नू एक दूजे नू दस रहे आ। सुपनिया नू दस रहे आ कि मैं वड्डा होके की बनना आ। सो जो एक दूजे नू अपना ओपीनियन दे रहा है, मैं वड्डा होके आ बनना, मैं वड्डा होके ओ बनना, सो अपने सुपने जेड़े आ वह जाहर कर रहे हैं तिने आपस विच। सो पहला ट्री जेड़ा आ वो की करता है, वो अपना सुपना दसन लगता, आसमान नू देखता है। आसमान दे उत्ते जिदो तारिया नू देखता है तो कहता है कि मैं दुनिया का सब तो वड्डा कीमती खजाना जिस विच फड़िया जावे, जिस विच कीमती खजाना फड़िया जावे मैं वो बनना मांगता है, ता जो हीरे जवाहरात दे नाल सजिया होवे, खूबसूरत होवे, मैं ओ पूरे दुनिया दा ओहो बहुत ही खूबसूरत खजाना, खजाने दे संदूक बनना चाहता है। सो हुण जिहड़ा दूसरा ट्री आ, दूसरा ट्री कहिंदा आ कि ओ पहाड़ दे उत्तों नीचे नू देखता, थले नू देखता आ, तो समुंदर नू देखता आ। जो समुंदर नू देखता है तो समुंदर नू देख के कहता कि मैं बहुत ही वड्डी किश्ती बनना चाहता हाँ, जिस विच राजे राजे महाराजे जो है मेरी किश्ती दे उत्ते सवार हो, सवार हो, मैं वो किश्ती बनना चाहता हाँ, मैं उस वड्डे समुंदर दे विच मैं जाना चाहता हाँ जो राजे महाराजे आ, शहनशाह आ, वो मेरी किश्ती दे विच सवार हो। सो तीसरा जिहड़ा ट्री आ वो कहिंदा आ पहाड़ वल नीचे लोकां नू देखता आ जो कम कर रहे आ, कम कर रहे आ, तो कहिंदा आ कि मैं तां एक बहुत वड्डा ट्री, बहुत उच्चा जाना मंगदा, ऊंचाई तिकर जाना मंगदा आ कि लोग मैनू खड़े हो के देखण कि किड्डा वड्डा परमेश्वर ने इस ट्री नू बनाया होया, किस तरह दा आ कि लोग खड़े हो के अचंबा अचंबा अचंबे दी तौर ते देखण। सो उन्होंने अपने अपने सुपने दसे, जो सुपने दसे कुछ चिर पै के, कुछ साल पै के मी आए, नेड़ियां आईयां, तूफान आए, सो ओ जेड़े ट्री आ वड्डे हो गए। जो ट्री वड्डे हो गए तो एक दिन की होया, तीन लकड़हारे आंदे आ लकड़ियां कटन दे लई, जो तीन लकड़हारे आंदे आ तो पहला जो लकड़हारा आ वो कह रहा आ कि ये जो ट्री आ ये बहुत ही खूबसूरत आ, मेरे लिए ये अच्छा आ। जो उस ट्री नू कटन लगते आ तो वो ट्री बहुत ही खुश हुंदा आ, बहुत ही खुश हुंदा आ, क्यों, क्योंकि वो अपने सुपने भुल गए सीगे, सुपने भुल गए सी, पर हुण जदों लकड़हारे आए उन्हां दे कोल उन्हां नू याद आया कि असी अपने सुपने जिहड़े साडे आ इह साकार होण लगे आ, पूरे होण लगे आ। सो जदों लकड़हारा आउंदा आ उस ट्री नू देखता आ कि बहुत ही खूबसूरत ट्री आ, लकड़हारा उस ट्री नू कट लैंदा आ और कट के अपने नाल लै जांदा आ। जदों वो कट के लै जांदा तो जिहड़ा वो ट्री हुंदा आ वो बहुत खुश हुंदा आ कि मैं हुण बहुत ही खूबसूरत एक खजाने दा की बनना, संदूक बनना आ जिस विच राजे महाराजियां दे जो जो खजाना होगा वो मेरे विच रखिया जाऊगा। बेहद खुश है ट्री वो। हुण इस तरह दूसरा ट्री जिहड़ा आ, दूसरा ट्री आ ओहो बहुत खुश हुंदा आ,
कि मैनू जो लकड़हारा देखता आ कि यह ट्री जरा बहुत ही अच्छा आ खूबसूरत आ वह बहुत खुश हों कि हम की आ मैं वीडी किश्ती बनने ली जा रहा हाँ मैं समुद्र के जा रहा हाँ जिते राजे महाराजे मेरी किश्ती दे विच समुद्र दे विच सवार होंगे बेहद खुश आ जो वह बहुत खुश हों लकड़हारे ने कहा कि ठीक है मैं इस ट्री नू ले जाऊंगा। हुण तीसरे दी बारी आउंदी आ जो तीसरे ट्री दी बारी आउंदी आ तो वह जिहड़ा ट्री हुंदा वह कंब जांदा आ कंब जांदा आ लकड़हारा कहिंदा यह ट्री जिहड़ा आ मेरे लिए चलूगा जिस तरह का भी हैगा आ ट्री नू कटदा आ उहदे लंबे लंबे दो पीस बना के रख दिंदा आ और ले जांदा जो ले जाता है उन्हों तो की होंदा आ हुण जिहड़ा एक ट्री आ छोटा आ वह बहुत खुश आ पहला ट्री जिहड़ा आ बहुत खुश आ कि मैं जिहड़ा आ मैं तरखान दे कोल जा रहा आ तरखान दे कोल जा रहा आ ते ओहो जिहड़ा आ मैनू एक इदां दा संदूक बनाऊगा जिस विच राजे महाराजियां दे संदूक राजे महाराजियां दे हीरे जवाहरात रखे होंगे वह बहुत बेहद खुश हुंदा आ। सो उस दिन की हुंदा आ कोई ऐसा वड्डा संदूक नहीं बनता कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुंदी एक की करदा वह जो तरखान हुंदा आ एक फूड बॉक्स बना दिंदा आ एक फूड बॉक्स बना दिंदा आ जिस विच सिर्फ घा फूस रखा जाता है जिस विच जानवर जिहड़े आ घा फूस खान। उस दिन कोई भी वड्डा कोई खजाने की चीज़ नहीं बनी कोई कुछ नहीं बनिया सिर्फ उस दिन तरखान ने फूड बॉक्स बनाया। दूसरा ट्री जेड़ा या हुन ओ भी बहुत खुश हुंदा या बहुत ही खुश हुंदा या कि मैनू एक शॉप दे विच जार दे विच ले जा रहे हैं बेहद खुश है कि मैं वड्डे समुंदर दे विच जाना या और वड्डे समुंदर दे विच मैं किश्ती वड्डी बनना और राजे महाराजे जेड़े आ मेरी किश्ती दे विच सवार होंगे। जदों वो शाप दे विच जांदा उस जाड़ दे विच जांदा आ ते कोई भी वड्डी किश्ती नहीं बनती एक छोटी जी मामूली जी झील दे उत्ते तुरन फिरन वाली किश्ती बन जाती है बना दिंदे आ। हुण जिहड़ा तीसरा ट्री आ वो कम दा आ उस लकड़हारे ने जो कट के दो तीन पीस करके ल्यांदे हुंदे आ उहदे लंबे लंबे पीस बना के अपने रख लैंदा आ जदों लंबे लंबे पीस बना के रख लैंदा दो समा बीतदा गया समा लंघ गया टाइम जिहड़ा आ उह लंघ गया उह सुपने अपने भुल गए जो उन्हां दियां उम्मीदां सीगियां जो उन्हां दे सुपने सीगे जो उन्हां ने सोचिया होया सी कि मैं वड्डी झील दे विच जाऊंगा राजे महाराजे मेरी सैर करनगे मैं बहुत ही खुश नसीब होऊंगा खुशी वाला आनंद वाला जीवन बताऊंगा और सब अपना सुपने जिहड़े भुल गए। जो कहिंदा सी कि मैं खजाने दा वड्डा संदूक बनांगा जिते राजे महाराजे मेरे संदूक दे विच हीरे जवाहरात रखणगे जो कहिंदा सीगा कि मैं एक वड्डा ट्री बनना मंगदा लोग खड़े हो के उस परमेश्वर दी वड्याई करन उस परमेश्वर नूं जलाल देन कि किड्डा खूबसूरत ट्री आ जो किड्डा लंबा ट्री आ। समा लंघ गया समा लंघ गया समा बीत गया तिन्ने ट्री जेड़े आ वो अपने अपने सुपनियां नूं भुल गए। पर एक रात की हुंदा एक रात तारे दी रोशनी पहले ट्री उत्ते
ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਫੂਡ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਫੂਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੂਡ ਬਾਕਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੀ ਆ ਉਹ ਕਾਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੋ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉੱਠਦਾ ਆ, ਉੱਠਦਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਹੇ ਹਵਾ ਥੰਮ ਜਾ, ਹੇ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਥੰਮ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਥੰਮ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਟ੍ਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਆ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਹੀ ਆ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ।
जो जो आज लोग खड़े होके उस मेरी उस सलीब नु देखणगे जिस उत्ते परमेश्वर दा पुत्र टंग्या होया, जिस उत्ते उधार करता मुक्ति दाता और जो फतेह दी निशानी है। आज लोग कहंदे आ कि सलीब जो है एक सराप या, सलीब जो है एक सराप या। हाँ, उदो सरापी मौत सी उन्हां लोकां नूं सरापी मौत, पर साडे लई सराप नहीं गा, साडे लई सराप टुट गए। यीशु मसीह सूली उत्ते आ गया। अज क्रिश्चियन बहुत सारे लोग या जो कहंदे आ कि सलीब एक सराप या, सलीब साडे लई इक फतह दा निशान या, सलीब साडे लई इक छुटकारे दा निशान या। जे यीशु मसीह इस संसार विच ना आउंदा, जे सलीब उत्ते ना चढ़ाया जांदा, असी कदी भी आजाद नहीं सी होना पापा तो, असी कदी भी मुक्ति दे कारण नहीं सी बनना। ओ सलीब दे राही साडा बाप दे नाल मिलाप होया, ओ सलीब दे राही साडे जो पाप सी, साडे बंधन सी, जो असी कोड़े खाने सी, ओ सलीब ने साडे ले चुक ले, तां कि ओ कहंदा मैं तैनू चोखी जिंदगी दे सका। अज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग या जो इस तरह कह रहे हैं कि सलीब एक सराप दा निशानी आ। इस सराप दी निशानी नहीं, इस फतेह दी निशानी आ। इस दे नाल साडे बाप जो हजारा साल जो दूरी पई हुई सी, परमेश्वर दे पुत्र ने उस सलीब उत्ते चढ़ के उस दूरी नूं मिटाया। ये साडे लई एक आनंद दी खुशी आ, आनंद दा दिन आ जदों यीशु मसीह जिंदा होए। ये फतेह दी निशानी आ। सो ट्री कहंदा आ कि मैं तां इस तरह कदी सोचिया भी नहीं सीगा, पर जो मैं सोचिया नहीं सी परमेश्वर ने उस नालों मेरे सुपने नूं बहुत चंगा कीता। सानू निराश नहीं होना चाहिदा कि सानू कुछ मिलिया नहीं गा। असी निराश ना होइए कि असी जो कुछ मंगदे आ सानू मिलिया नहीं। यीशु मसीह ने तुहाडे लई बहुत सारियां बरकतां रखियां होईयां, यीशु मसीह ने तुहाडे लई बहुत सारियां नेमतां रखियां होईयां। जदों असी वचन दे विच पढ़दे आ, पहला कुरंथियां चैप्टर 2 उहदी 9 आयत नूं जदों पढ़दे आ, परंतु जिवें लिखिया होया जेड़ियां वस्तां अखी ने ना देखियां, ना कन्नी सुनिया, ना इंसान दे मन विच आईयां, जेड़ियां वस्तां परमेश्वर ने अपने प्रेमियां लई तैयार कीतियां आ। साडे परमेश्वर ने साडे लई बरकतां तैयार रखियां आईयां। इस स्टोरी चो सानूं की पता लगदा, जो जेड़े ट्री सी उहनां ने सुपने कीते सी, परमेश्वर ने उहनां दे सुपनिआं नूं साकार कीता। अज असी जे परमेश्वर दे वायदिआं दे मुताबक चलांगे, परमेश्वर दे हुक्मां दे मुताबक चलांगे, उह कहिंदा मैं तुहानूं इस जिहीआं बरकतां दऊंगा, ना तुहाडीआं अखियां ने देखियां, ना तुहाडे ख्याल च आईयां, मैं अजिहा परमेश्वर आ जो तुहानूं बरकतां देण वाला आ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा परमेश्वर उत्ते ध्यान रखिए और परमेश्वर नूं अपना मुक्तिदाता ग्रहण करिए, ताकि साडा जिंदा पाक ते पवित्र यीशु मसीह आ। ना कोई जमीन ते उस वर्गा है, ना कोई होवेगा, क्योंकि वचन च लिखिया जमीन दे उत्ते आसमान दे थल्ले मेरे यीशु वर्गा कोई खुदावन नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई यीशु नहीं। खुदावन तुहानूं बहुत सारी बरकत देवे। आमीन।